हेलो गाइस, मैं अनुराधा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नू मिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और इसकी कोई भी परिभाषा, कोई भी नियम हमें नहीं याद करना है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट किया था और उसका भी हम लोगों ने कोई भी नियम नहीं देखा था, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हमने देखा था। ऐसे ट्रिक देखे थे कि क्वेश्चन देखा और आंसर जो है टिक कर दिए। तो आज के भी वीडियो में हम लोग पूरा व्यंजन संधि कंप्लीट करेंगे कि क्वेश्चन देखा, आंसर लगा दिए, ऐसे ऐसे ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको नियम याद है तो ठीक है, नियम नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आज के वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। व्यंजन संधि में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं, तो व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि कब व्यंजन संधि होता है। तो देखिए, यहां पर होता क्या है कि जब स्वर के साथ व्यंजन मिलता है या फिर जो है व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है वो जो है व्यंजन संधि होता है। जैसे स्वर संधि में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्वर के साथ स्वर मिलता है तो स्वर संधि होता है, वैसे यहाँ पर स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन, तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि होता है। ये छोटी सी बात याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नियम से। व्यंजन संधि जो है नियमों का एक कह सकते हैं कि बिल्कुल भंडार है। इसमें जो है 5-7 ऐसे नियम हैं जो कि अगर हम पढ़ने लगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में केवल हम लोग पहचानना जानेंगे कि कोई भी शब्द दिया है तो उसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि व्यंजन संधि है। सबसे पहला जो हमारा नियम है, आप नियम कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, जो पहला ट्रिक है वो है 3-5 करना। आपने सभी सुना होगा 3-5 करना क्या होता है, मतलब इधर उधर बस टाइम पास करना। तो 3-5 करना, बस आपको 3-5 करना है। 3-5 कैसे करना है वो देखिए। 3-5 करने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारे वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरीके के जो भी वर्ग हैं पाँचों, तो जो पहला, जैसे कोई भी वर्ग है तो वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, ये पहला अक्षर जो होता है ये तीसरे में बदल जाता है या फिर पहला पाँचवें में बदल जाता है। यानी कि 3 और 5 करना, इसे आप 3-5 का नियम, बस इतना याद करना है कि 3-5 करना। चलिए देखिए कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उदाहरण की बात करें तो दिक् धन गज, इसका जब हम जो है संधि करेंगे तो ये हो जाएगा दिग्गज। दिग धन अंत, इसका जब हम लोग जो है संधि करेंगे तो ये हो जाएगा दिगंत। तो अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर हम संधि विच्छेद नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम लोग पहचान रहे हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि दिग्गज में कौन सी संधि है बताइए, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ बीच में देखना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब संधि होती है तो बीच से जो है जुड़ता है, तो जब बीच में जुड़ता है तो हमें बीच में ही जो है देखना है। तो देखिए बीच में जो है या तो तीसरा वर्ड आना चाहिए या तो वर्ग का 5वां वर्ड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बीच में, देखिए यहाँ पर ग आ रहा है, ग जो है कवर्ग का तीसरा अक्षर है, क्लियर। अब यहाँ पर आँख बंद करके लगा देना है व्यंजन संधि। आगे आते हैं, आगे देखिए बीच में आते हैं, यहाँ पर ग यानी कि कवर्ग का यहाँ पर तीसरा अक्षर है ग, तो ये भी हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। बस यही चीज़ देखना है बीच में, देखिए दिग्विजय में देखिए बीच में यहाँ पर जो है ग आया हुआ है, ये भी तीसरा है, तो ये भी जो है यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। वैसे ही देखिए अगर उद्योग की बात करें तो देखिए बीच में द आया हुआ है, त थ द यानी कि तवर्ग का तीसरा। सद्गुण की बात करें तो इसमें भी देखिए बीच में द आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 3 आया हुआ है। अजंत, यहाँ पर देखिए बीच में ज आया हुआ है, च छ ज, चवर्ग का तीसरा अक्षर। यहाँ पर बीच में देखिए ज है, यहाँ पर ड है, ड भी जो है तीसरा अक्षर है। अब यहाँ पर देखिए 5 का नियम आ जाता है वांग्मय। अब बीच में देखिए यहाँ पर अंग दिया है, अंग कौन सा वर्ड है, कवर्ग का 5वां वर्ड है, 5वां अक्षर है, तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पर देखिए वांग्मय का संधि विच्छेद अगर देखें तो वाक धनमय होता है, और देखिए ये क है यानी कि हमने आपको बताया कि जो पहला अक्षर है वो 5वें में बदल जाता है या फिर पहला जो है वो तीसरे में बदल जाता है, तो यहाँ पर देखिए क जो है ये अंग में यानी कि 5वें में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा वांग्मय। ऐसे ही देखिए यहाँ पर षण्मुख, यहाँ पर जो है ड आया हुआ है तो ये भी जो है 5वां अक्षर है। यहाँ पर जो है बीच में देखिए उन्मत्त में जो है न आया हुआ है। यहाँ पर देखिए बीच में जो है जगत धननाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है, जगत धननाथ, तो यहाँ पर जो है त जो है न में बदल जाएगा, त थ द ध न 5वें में बदल जाएगा, तो ये भी जो है हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, ये कुछ भी नियम आपको नहीं याद करना है कि पहला तीसरे में उसके बाद 5वें में, कुछ नहीं याद करना, बस आपको इतना याद करना है 3-5 का नियम। जहाँ पर भी बीच में तीसरा 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 या फिर 5वां 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 अक्षर मिले, बस जो है व्यंजन संधि ठोक देना है। चलिए आगे हम अगले नियम की बात करें जो कि है 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है देखिए,
इसमें जो है ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के साथ अगर छ आता है तो यहाँ पर च छ यानी कि छ के पहले च जुड़ जाता है। ये तो रहा इसका नियम। मान लीजिए आपको नियम नहीं याद करना है और यहाँ पर हम आपको नियम भी नहीं याद करवा रहे हैं, यहाँ पर केवल देखना है और आंसर लगाना है। देखिए यहाँ पर पहचानेंगे कैसे, मान लीजिए उदाहरण अगर आपको दे दे, एक शब्द दे दे, स्वच्छंद, पूछे कौन सी संधि है इसमें बताना है, परिच्छेद में कौन सी संधि है, छत्र छाया में कौन सी संधि है, बस आपको ये देखना है कि बीच में जो है च छ आ रहा है कि नहीं। देखिए स्वच्छंद में भी जो है बीच में आधा च और छ आ रहा है, परिच्छेद में भी बीच में आधा च छ आ रहा है, छत्र छाया में भी बीच में आधा च और छ यानी कि च छ च छ च छ आ रहा है। तो च छ च छ जहाँ भी बीच में दिख जाए बिल्कुल 100% वो व्यंजन संधि ही होगा। तो बस आपको इतना याद करना है कि बीच में अगर च छ आ जाए तो वो जो है व्यंजन संधि हो जाता है। सारे रूल सारे नियम भूल जाइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं त का नियम। त का नियम क्या है? त का नियम भी यहाँ पर जो है जो नियम आप सभी लोग रटते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। त के नियम में क्या कहता है कि त के बाद अगर च या छ आता है तो च छ का जो बड़ा भाई है जो पहले आता है, च छ में बड़े भाई की बात करें जो पहले आता है वो बड़ा भाई होता है, तो च छ में जो बड़ा भाई है वो च हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पर जो है बड़ा भाई हावी हो जाता है, यानी छोटे को भी जो है हटा करके बड़ा भाई ही वहाँ पर अपना पूरा मतलब कि जमा लेता है। तो च छ के में जो है अगर च या छ कोई भी आता है तो छ यहाँ पर जो है प्रधान हो जाता है यानी कि च ही होगा। अगर ज झ आ रहा है तो यहाँ पर जो है ज हो जाएगा। ट ठ आ रहा है तो इसके स्थान पर जो है ट हो जाएगा, ड ढ के स्थान पर ड हो जाएगा और ल के स्थान पर ल ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क ख में भी जो है हो सकता है कि क बड़ा है क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क वर्ग की बात नहीं की जाएगी। मान लीजिए आपको ये नियम नहीं याद है, भूल जाइए, आपको याद भी नहीं करना। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग पहचानेंगे कैसे। अगर एग्ज़ाम में दे देता है कि बताइए उच्चारण में कौन सी संधि है, तो बस आपको ये देखना है, थोड़ा सा देख लीजिए इसका जो संधि विच्छेद होता है उत धन चारण। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि त के बाद अगर च या छ आता है तो इसमें च हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर त के बाद च आ रहा है तो यहाँ पर जो है एक और च जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा उच्चारण। तो यहाँ पर जो है दो च हो गया। उसी तरीके से देखिए उच्चरित में जो है यहाँ पर दो च आ गया यानी कि च के पहले भी च। यहाँ पर सज्जन में देखिए यहाँ पर ज आ गया, उज्ज्वल में ज आ गया। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर किसी भी शब्द में च च, ज ज, ट ट, ड ड, ल ल आए तो वो जो शब्द है वो व्यंजन संधि होगा, या फिर च छ, ज झ, या फिर जो है ट ठ, ड ढ, अगर इस तरीके से कोई भी शब्द आ रहा है बीच में तो वो भी व्यंजन संधि होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में जो है दो बार च च है तो ये व्यंजन संधि हो जाए। दो बार च च यहाँ पर भी है, सज्जन में दो बार ज है, उज्ज्वल में जो है दो बार ज है। अब यहाँ देखिए उज्झटिका, उज्झटिका में जो है कौन सा संधि होगा, कौन सा संधि होगा तो व्यंजन संधि होगा। कैसे, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया ज झ भी आ जाए तो जो है हमारा यही संधि होगा। तो देखिए ज और झ दोनों आ रहा है, या फिर जो है जगत छाया। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि च छ कहीं पर भी आए तो वो व्यंजन संधि होगा, तो च छ आया बस व्यंजन संधि लगा देना है। बृहट्टिका यहाँ पर देखिए ट ट, बृहट्टिका ट ट दो बार आ रहा है बस यही संधि है। उड्डयन ड ड दो बार, उल्लास ल ल दो बार। तो कोई कठिन नहीं है व्यंजन संधि, लेकिन बस एक हवा बन गई है कि व्यंजन संधि बहुत कठिन है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो देखिए बस आपको इतना पहचानना है कि अगर बीच में ज ज या फिर ज झ, ड ड या फिर ड ढ, इस तरीके से अगर शब्द आ रहा है तो वो व्यंजन संधि ही होगा, 100% श्योर। चलिए तीसरे नियम की हम बात करें। तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, तो ये भी जो है त संबंधी ही नियम है। तो इसमें कह ये रहा है कि अगर त के बाद बड़ा स यानी कि तालवी स अगर आ रहा है तो त का च बदल, त का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा, या फिर अगर त के बाद ह आ रहा है तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। ये तो रहा इसका नियम। नहीं याद है कोई बात नहीं, आगे देखिए एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा, शब्द दे देगा, पूछेगा कौन सी संधि है। अगर हमें दे दिया उच्छ्वास, बताइए कौन सी संधि है, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि बीच में कहीं पर भी च छ दिखे बस वो मार दीजिए व्यंजन संधि। देखिए यहाँ पर च छ आ रहा है, यहाँ पर भी जो है च छ, सच्छास्त्र में जो है यहाँ पर भी च छ। अब यहाँ पर देखिए तद्धित, तद्धित में क्या आ रहा है, द ध आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आधा द ध।
उधार इसमें भी जो है क्या आ रहा है, आधा द ध, यानी कि द ध द ध और च छ। तो बस आपको इतना याद रखना है कि च छ या फिर द ध, च छ द ध, च छ द ध, ये याद करना है। कहीं पर भी बीच में च छ आए व्यंजन संधि, द ध आए व्यंजन संधि, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला है न का नियम। न का नियम क्या कह रहा है कि बस यहाँ पर ये देखना है कि न का ड हो जाता है। जैसे आपने तद्भव तत्सम में देखा है कि अगर कोई तद्भव का शब्द है तो न रहता है, अगर तत्सम में जाता है तो ड हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जहाँ भी न रहेगा, यानी न के नियम ये है कि अगर न है न का ड हो जाएगा। कैसे, देखिए री र श के बाद अगर न आ रहा है तो ड हो जाएगा, ये इसका नियम है। उदाहरण देखिए, परिणाम, परिणाम का संधि विच्छेद होता है परिधन नाम, यहाँ न है, न किस में बदल गया, ड में बदल गया, तो न का ड हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रमाण, यहाँ पर भी ड है, रामायण में ड है, कृष्ण यहाँ पर भी ड है, शोषण में ड है, त्रिष्णा में भी ड है, विष्णु में ड है, हरण में ड है, ऋण में ड है, ड ड ड ड ड, यानी कि समझ लीजिए कि न का ड हो जाए, न का ड हो गया है, तो ड आ गया, इसका मतलब वो व्यंजन संधि ही है। अगला नियम देखते हैं, म का नियम। म का नियम क्या कह रहा है कि इसमें जो है, देखिए उदाहरण देखिए, समधन कलन, यानी कि इसका हो जाता है संकलन। मान लीजिए अगर पूछे कि संकलन में कौन सा संधि है, तो हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है। समधन कलन इनका, इसका जो है जब हम संधि करेंगे तो संकलन हो जाएगा। समधन पूर्ण, संपूर्ण, संगति का जो है संयोग। तो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब ऊपर बिंदी लग गई तो वो जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे देखिए, संकलन में ऊपर बिंदी, संपूर्ण में ऊपर बिंदी, संगति में ऊपर बिंदी, संयोग में बिंदी, संविधान में ऊपर बिंदी, तो ये सब जो है म का नियम है। और म का नियम यही कहता है कि ऊपर जो है एक बिंदी आ जाएगी, यानी इसका मतलब इसका जब उच्चारण करेंगे तो ये वर्ग के आधार पर बदलता है, यानी कि ये जो है वर्ग का पांचवा अक्षर होता है जिसे अनुस्वार में बदल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखना है, जब हम लोग संधि डीपली में पढ़ेंगे, पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे संधि विच्छेद के साथ, सारे नियम के साथ, तब हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको केवल देखना है, आंसर टिक करना है। तो जहाँ पर भी ऊपर बिंदी दिखे व्यंजन संधि ठोक देना है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर सम्मान और सम्मति, इसमें भी जो है हमारा व्यंजन संधि होगा। बीच में डबल म अगर आ गया तो, यानी कि म म दो बार आ गया तो वो भी जो है व्यंजन संधि होता है। अगला नियम क्या कहता है कि जो हमारा छोटा स है ये जो है हमारे मूर्धन्य स में बदल जाता है। कैसे, देखिए वी धन सम, इसका जब हम संधि करेंगे तो हो जाता है विषम, यानी कि ये जो स है ये इस स में बदल गया। ऐसे ही जो है निषेध, अनुषंगी, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जहाँ पर भी मूर्धन्य स दिख जाए वो जो है हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए विषम में बीच में स आ रहा है, यहाँ पर भी जो है ये मूर्धन्य स आ रहा है, निषेध में भी जो है ये स आ रहा है, विषाद में मूर्धन्य स, सुषमा में मूर्धन्य स, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस स का जो पुराना वर्जन था, पहले ये स जो है इस स में था, अब जो है अपडेट होने के बाद ये स इस स में परिवर्तित हो गया है। तो जहाँ पर भी ये स दिखे आपको वो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने छह नियम देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में भी जो है इन्हीं छह नियमों में से जो है पूछता भी है। तो आई होप कि आपको व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी, अब आप व्यंजन संधि में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी हिंदी के सिलेबस पढ़ाए जाएंगे वो सब जो है उसमें मैच करेगा, और साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक के जो है ट्रिक भी बताए जाएंगे कि क्वेश्चन देखा आंसर लगाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।